जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल में देखा वो सही देखा है, वही बनाने वाले हैं हम आज। सिर्फ एक रुपए की मदद से हम आप गंधक पोटास का मिक्सर बनाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेना होगा। माचिस की सारी तीलियाँ या काड़ियाँ बोलिए, वो सबको डिब्बे में से बाहर निकालना है और एक एक करके उनका सारा मसाला जो बारूद होता है दोस्तों, उसको ग्लास की सहायता से मसल कर उसको निकाल लेना है। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है वैसा ही करके दोस्तों इसको हमें कम से कम आधा चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। तो काड़ी तिलियाँ की जो बारूद है, फास्फोरस भी कहते हैं। चलिए इसे मैं फिर फटाफट मसाले को जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। सारा बारूद निकाल लिया है दोस्तों माचिस की तीलियों से। हमें आधा चम्मच की ज़रूरत होती है, इतना काफ़ी है। चलिए फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइनली हम अपने मेन लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर इसकी टेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो में देख ही सकते हैं ये अभी बिल्कुल खाली है। चलिए इसमें माचिस का जितना मसाला था वो सारा भर कर आपको दिखाते हैं। यह रहा हमारा मसाला दोस्तों। चलिए इसकी नली में अब इसको डालते हैं और टेस्टिंग शुरू करते हैं। नली में डालने के बाद इसे 2-3 बार जमीन में ज़रूर फटके दोस्तों। इससे क्या मसाला नीचे अच्छे तरीके से बैठ जाता है, जिससे इसे फटने में अच्छी तरीके से मदद मिलती है। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों धमाके की आवाज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।